सभी किसान कामगार भाइयों को राम राम, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं ट्रैक्टर पार्ट्स से संबंधित वीडियो। काफ़ी दिनों से हमारे दर्शक इसकी मांग कर रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको जहांगीरपुर के कबाड़ा बाज़ार में लिए चलते हैं। जहांगीरपुर के कबाड़ा बाज़ार में जनरेटर ट्रैक्टर के अलावा सभी प्रकार के ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हो जाते हैं। कौन कौन से ट्रैक्टर पार्ट्स किस रेट पर यहाँ उपलब्ध होते हैं, हम आगे आपको दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, यह जहांगीरपुर कस्बा है, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में, बुलंदशहर जनपद की सीमा से सटा हुआ कस्बा है जहांगीरपुर कस्बा। इस जहांगीरपुर कस्बे में हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी का गोदाम है। इस गोदाम में 2000 मॉडल से पहले के ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। इस गोदाम का संचालन करने वाले मैकेनिक से हम आपकी बात कराएंगे, कौन सा पार्ट्स किस कीमत पर यहां उपलब्ध हो सकता है। ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स के अलावा यहां ट्रैक्टरों के इंजन भी उपलब्ध रहते हैं। जीटर, महिंद्रा, स्वराज और फोर्ड ट्रैक्टर का इंजन भी इस गोदाम पर उपलब्ध है। किस कीमत पर, किस कंडीशन का ट्रैक्टर का इंजन यहां उपलब्ध है, यह भी हम आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया निवेदन है उन साथियों से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में लिंक शेयर करें और देखते रहें। खेती किसानी से जुड़े ट्रैक्टर जनरेटर बाजार की पड़ताल और साथ में जरूरी वस्तुओं से जुड़े बाजार की पड़ताल हम लगातार आपको इस तरह की वीडियो दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। आज आप यह ट्रैक्टर के पार्ट्स बाजार की वीडियो देख रहे हैं। यहाँ जो गोदाम हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ आइसर, एस्कॉर्ट, महिंद्रा, बलवान, स्वराज, जीटर, फोर्ड आदि सभी प्रकार के ट्रैक्टर्स के गियर बक्से का सामान, इंजन का सामान, स्टीयरिंग से लेकर के अन्य सभी प्रकार का सामान यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप इस गोदाम के संचालक से टेलीफोन संपर्क करके स्पेयर पार्ट्स का रेट जान सकते हैं। नए की एक तिहाई कीमत में यहाँ स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हो जाता है। काफ़ी दूर से लोग यहाँ पुराने पार्ट्स खरीदने के लिए आते हैं। ये सभी पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं, लेकिन कुछ चले हुए होते हैं, चूँकि ट्रैक्टर जो कबाड़े में बिकते हैं उन्हीं कबाड़े के ट्रैक्टर्स में से यह कामकाज के जो पार्ट्स होते हैं गोदाम के मालिक निकालते हैं और लगभग 80% तक होता है यहाँ का पार्ट्स, जो आपको आसानी से बड़े बाज़ारों में उपलब्ध नहीं होता है, वह यहाँ के बाज़ार में उपलब्ध हो सकता है। पुराना पार्ट्स आप यहाँ लाएंगे और उसको देख करके बदले में नया पार्ट्स ले जा सकते हैं। अब इस गोदाम का संचालन करने वाले पप्पन भाई से हम आपकी वार्ता करा रहे हैं और आप जानें कौन सा पार्ट्स किस कीमत पर, किस किस ट्रैक्टर्स का यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, किस ट्रैक्टर का इंजन यहाँ कितनी कीमत में उपलब्ध हो रहा है। फोर्ड ट्रैक्टर का इंजन मात्र 20,000 रुपये में और जीटर ट्रैक्टर का इंजन मात्र 18,000 रुपये में यहाँ उपलब्ध हो रहा है। आइए आप जानें और भी ट्रैक्टर्स के यहाँ इंजन उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ के बाज़ार में जो ट्रैक्टर के ओल्ड पार्ट्स मिलते हैं उनकी कोई कीमत निश्चित नहीं होती, आप इसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं, पूरी तरह सौदेबाजी कर सकते हैं। आपको पार्ट्स पसंद आए तभी यहां से देखकर ले जाएं, मिस्त्री को दिखा लें तब ले जाएं, या मिस्त्री अपना साथ लेकर आएं तब पार्ट्स पसंद करें और भाव ताप करके ही यहां से ले जा सकते हैं। अब हम आपको इस गोदाम के संचालक से मिला रहे हैं, आप जानें किस किस तरह के पार्ट्स और किस किस ट्रैक्टर के पार्ट्स किस कंडीशन में, किस कीमत पर यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानें और खरीदें अपने काम का पार्ट्स, देखते रहें पूरा वीडियो।
जी पवन भाई जी, तो आप यहाँ जांगीपुर में हैं जी, और जांगीपुर में यह है हिंदुस्तान जनरेटर्स और ट्रैक्टर्स का गोदाम है जी जी। तो ये बताइए पवन भाई, आपके यहाँ जो है पुराने ट्रैक्टर्स के पार्ट्स किस किस ट्रैक्टर के मिल जाते हैं, पहले तो हमें आप ये बताइए। यहाँ मैसी, फोर्ड और फार्म ट्रैक, एस्कोर्ट, बलमान, आइसर, ये सबका पार्ट्स मिलता है यहाँ। अच्छा, ये पार्ट्स जैसे हम आपको यहाँ सामने देख रहे हैं, ये कुछ ट्रैक्टर्स के इंजन भी मिल जाते हैं आपके पास? जी जी, मिल जाते हैं सबके। तो इंजन है उपलब्ध है, किस किस ट्रैक्टर्स के हैं बता सकते हैं आप हमें? जी, इसमें महिंद्रा का है, फोर्ड का है, अच्छा स्वराज ट्रैक्टर का है, HMT जीटर का है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मॉडल के इंजन है जी। तो ये क्या करीब एक अनुमानित है क्या कीमत का ये इंजन हो सकता है उपलब्ध, जैसे कि ये हम इंजन देख रहे हैं आपका जी, ये किस ट्रैक्टर का इंजन है भाई साहब? ये 20 से 25 तक का। अच्छा, ये कौन किस ट्रैक्टर का है? ये स्वराज 735 का इंजन है जी। अच्छा, 20 से 25 हजार के बीच में मिल जाएगा जी जी। और ये जो इंजन हम देख रहे हैं भाई साहब आपका, ये वाला जी, ये किस ट्रैक्टर? ये महिंद्रा का है जी। अच्छा, महिंद्रा का है जी, 4 सिलेंडर का है जी। अच्छा अच्छा, ये कितने पैसे में उपलब्ध हो जाएगा जी? ये ऐसा मानो 35 हजार रुपए का जी। अच्छा अच्छा, वो जनरेटर काम चल रहा है, खुला पड़ा है इंजन जो पड़ा है आपका? जी, वो भी महिंद्रा, ये महिंद्रा का है जी, ये जनरेटर वाला 40 हजार रुपए। अच्छा अच्छा, और आपका ये जो हम देख रहे हैं भाई साहब, ये इंजन हम देख रहे हैं, ये 4 सिलेंडर का है, और ये किस ट्रैक्टर का है भाई साहब? ये भी महिंद्रा का जी, महिंद्रा का है जी। अच्छा अच्छा, ये कितने पैसे में उपलब्ध? ये भी लगभग 40 की लपेटी। अच्छा, 40 हजार रुपए का इंजन जी। जो इंजन हम निराशा देख रहे हैं आपका, ये फोर्ड का जी। फोर्ड का इंजन है? फोर्ड का, फोर्ड 3600 का इंजन है जी जी। तो काफी पुराना इंजन हो गया है आपके जी जी। ये कितने पैसे का, कम से कम कितने पैसे में उपलब्ध? 20 हजार रुपए। 20 हजार का इंजन है। और ये जो इंजन हम देख रहे हैं आपका भाई साहब, ये ट्रैक्टर कौन से इंजन का? ये जीटर है जी। जीटर का इंजन जी, 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर में जी। ये कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? ये 18 हजार रुपए का। 18 हजार। और ये जो इंजन हम आपका ये देख रहे हैं भाई साहब, ये जीटर है, ये भी जीटर है, 3 सिलेंडर वाला। 3 सिलेंडर, ये कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? ये ऐसा 25 हजार रुपए। तो आपके पास जो भाई साहब हम ये जनरेटर, ये जो ये ट्रैक्टर के जो इंजन देख रहे हैं जी, फोर्ड के हैं, महिंद्रा के हैं, स्वराज के हैं जी जी के हैं, तो ये जो ऐसी हालत में इनको चालू करके देंगे या एज इट इज ऐसी हालत में देंगे? नहीं जी, चालू करके देंगे, बिल्कुल फ्रेश करके, फ्रेश करके जी जी। अच्छा, अब हम ये बहुत सारे पार्ट्स देख रहे हैं ट्रैक्टर के, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपने सबको लिखा हुआ है कि जीप का है या लिफ्ट का सामान है जी। तो ये ट्रैक्टर के किस किस मॉडल के ट्रैक्टर्स के सामान आपके पास मिल जाते हैं? 2000 से नीचे के मिलते हैं, कोई कोई ट्रैक्टर ऐसा आता है जो 2000 से ऊपर होता है, जो उसका सामान से नीचे का जो मॉडल है हाँ, उस ट्रैक्टर के पार्ट्स आपके यहाँ मिल सकते हैं जी बिल्कुल। तो किस किस ट्रैक्टर के मिल सकते हैं आपके? फोर्ड के, एस्कोर्ट के, आइसर के, HMT के, और बलवान के, मैसी के, सबका पार्ट्स मिलता है। अच्छा, ये पार्ट्स वैसे बताइए, पार्ट्स के कौन कौन से पार्ट्स मिल जाते हैं इन ट्रैक्टर्स के आपको? खासतौर पर किन पार्ट्स की जरूरत बाजार में होती है लोगों को, किसानों को कौन कौन से पार्ट्स की आवश्यकता ज्यादा होती है, नाम बताइए उन पार्ट्स के। ये तो अपने अपने कस्बे की या शहर की बात है, उधर कोई कौन सा ट्रैक्टर सही है, चलने वाला ज्यादा है जी, ये बात होती है, क्योंकि मैसी की अलग जगह है, महिंद्रा अलग है जी, इसलिए पार्ट्सों के नाम बताइए कौन कौन से पार्ट्स आपके पास मिल जाते हैं जी। आइसर का, गेयर बक्से का सामान, डिफ्लेंसर का सामान, और ऐसे ही फोर्ड का, एस्कोर्ट का जी, ये सब ट्रैक्टरों का पार्ट सब मिलता है, गेयर बक्सों का, गेयर बक्सा से लेकर स्टीयरिंग से लेकर के जी 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 जी। अच्छा, बैरिंग वगैरह और ये क्रैंक वगैरह, बैरिंग, क्रैंक, हेड, गेयर बक्सा, ये सब मिलता है, गेयर बक्सा मिल जाता है जी जी जी। तो गेयर बक्सा किसके से इंजन का आपके पास मिल सकता है? जो मैंने आपको इंजन बताए सारे, उनका सब गेयर बक्से मिलते हैं। तो भाई साहब ये बताइए पपन भाई, आपके पास जो ये गोदाम में बहुत सारे पार्ट्स हैं ट्रैक्टर के जी, और ये कितनी कीमत पर उपलब्ध हो जाता है, मानो नया, नए और पुराने में कितना अंतर होता है? नया जैसे 100 है 40% मिल जाता, 40% मिल जी। तो आप उसके बदले पुराना पार्ट्स लेते हैं जी, में लगाते हैं, पलटे में लेते हैं, पलटे में लेते हैं जी, चाहे वह टूटा हो चाहे फूटा हो, कैसा ही हो, कैसा हो, जिसके पास भरने के लिए नहीं है तो कुछ कीमत बढ़ा देते हैं? हाँ, उसमें कुछ पैसे बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके पास यदि कोई सामान लेना हो किसी को पार्ट्स ट्रैक्टर का भाई साहब, जी यहाँ उपलब्ध है भी या नहीं पपन भाई, कैसे पता करेगा कि वो यहाँ आपके पास मिल सकता है कि नहीं? वो जैसे पता फोन पे करेगा, वो सब सारी बात बता देंगे हम उसको कि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, तो पपन भाई अपना अपना नंबर बता दीजिए, कौन कौन सा पार्ट्स यहाँ मिल सकता है बताइए। नंबर ले लो, 800 जी 66 जी 10818 ये नंबर है जी। कोई भी किसान दूर दराज से यदि आपसे पास कोई पार्ट्स खरीदना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों के लोग यहाँ जान पार्ट्स लेने आते हैं आपके बाजार में जी, हरियाणा के लोग भी आते हैं, पड़ोस में हरियाणा राज्य लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, तो आपसे जो है फोन करके आप में आपके पास ग्राहक यहाँ आ सकता है कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं।
वो तो सारे ही मिल जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, वो सबका पार्ट्स मिल जाएगा। सब पार्ट्स मिल जाता है जी। तो पार्ट्स तो कुछ चला हुआ होता है वैसे कंपनी का, कुछ डुप्लीकेट तो नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऑर्डिनरी पार्ट्स होता है, उसमें जो खराब पार्ट्स होता है उसे हम फेंक देते हैं कबाड़े में। आप जो पार्ट्स यहाँ बेचते हैं वो ठीक कंडीशन का पार्ट? जी जी, साफ रखते हैं बिल्कुल ठीक कंडीशन। जी कितनी परसेंटेज का पार्ट्स होता होगा वो नए? 80%। अच्छा 80%। जी जी जी, यानी कुल मिलाकर किसान का जो है काम काज चल सकता है बहुत जोम से। बिल्कुल। तो भाइयों, यह थी जहांगीरपुर के कवाड़ा बाजार में ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स की वीडियो। आगे भी हम आपको इस तरह की वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। जहांगीरपुर के ट्रैक्टर बाजार, जनरेटर बाजार, सैद नगली अमरोहा के ट्रैक्टर बाजार, टाडा संभल के ट्रैक्टर बाजार, शामली मुजफ्फरनगर और बड़ौत के ट्रैक्टर बाजार सहित कोसी कला के ट्रैक्टर बाजार की अनेक वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। साथ में खेती किसानी से जुड़े किसानों के अनुभव, अनुभवी किसानों के ट्रैक्टर, मॉडिफाइड ट्रैक्टर बाजार की अनेक वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है। जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें खेती किसानी सहित कामकाजी बाजार की पड़ताल। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ नमस्कार।